Hello students, good evening and welcome back to Sixth Science Academy's channel. And here we were discussing about the first chapter of standard 10, that is electricity. And by today we have already discussed most of the topics related to the first chapter of electricity, that is the charge, electricity, electric current, potential difference, electric potential energy, the Ohm's law. We have also discussed about the resistivity, conductivity, about the resistors in series and parallel. We have also solved some numericals regarding that. And today we are going to start a new topic of that chapter, that one with the effects of electric current. So the first effect that we are going to study is heating effect of current. Heating effect of current means when a current is produced in a wire. जब कभी भी किसी वायर पे करंट प्रोड्यूस होता है तो देयर आर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द कंडक्टर, उस कंडक्टर के अक्रॉस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, तो अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है. ये आपको पता है. एक तरफ जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वहां पे हाईएस्ट पोटेंशियल होता है, नेगेटिव टर्मिनल के तरफ आपका लोएस्ट पोटेंशियल होता है. तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करके आते हैं और जब वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करने की कोशिश करते हैं तो दे हैव टू सफर अ लॉट. सफर अ लॉट इन सेंस ऑफ व्हाट? इन सेंस ऑफ रेजिस्टेंस. उनको बहुत ज्यादा उनका जो फ्लो होता है, जो उनका स्पीड होता है, वो इंक्रीज हो जाता है, स्लो डाउन होता है. इन स्लोइंग के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं. उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से उनका हीटिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है. उसी चीज को हम बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में होता क्या है. ओके, लेट्स कम हो गया. सपोज द कंडक्टर जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है. जब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ पॉजिटिव चार्ज लाने की कोशिश करते हैं तो एक एक has to suffer a lot of obstructions in this path. और वही potential difference वो उसको उसके उस obstruction से overcome होने के लिए work done करते हैं. That work done is this work done. So potential difference is work done per unit charge. So what is the work done? Work done is V into Q. Okay? यहाँ पे होता क्या है? That electrons एक जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करते हैं एंड ये फिर तीसरा से कोलाइड करता है, चौथा से कोलाइड करता है, पांचवा से कोलाइड करता है. एंड दिस कोलिजन गोज ऑफ. इस कोलिजन की वजह से हीटिंग इफेक्ट इंक्रीज करते हैं. ओके, इस हीटिंग इफेक्ट का दो पहलू है, दो इसके फेसेस होते हैं. किसी में ये अनवांटेड होता है, किसी में ये वांटेड होता है. अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक जनरेटर का, इलेक्ट्रिक मोटर्स का, तो वहां पे ये जो हीट डिसिपेशन हो रहा है यहाँ पे वी डोंट वांट द हीट टू बी प्रोड्यूस, तो वहां पे वेस्टेज ऑफ हीट होता है. ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेस हैं जहां पे इस हीट का बहुत ज्यादा यूज होता है. आइए चलिए उसके बारे में बात करते हैं. जैसे इफ आर एबल टू सी दिस रूम, दिस room is quite lightish. You are able to see me even I am making this video in the evening. So dark hona chahiye, lekin due to the presence of the tube light, due to the presence of the light, you are able to see my face. The reason behind it is a lot of things that I will discuss. Okay, so first thing, agar kisi ko इस रजिस्टर को हम एक बल्ब का फॉर्म देते हैं तो बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है, यू नो दैट. ओके, So, इसके अराउंड जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसके वजह से यहाँ पे दिस फिलामेंट इज नोन एज व्हाट? टंगस्टन. टंगस्टन फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है. इट हैज हाई रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी इसका ज्यादा होने की वजह से ये करंट को ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है. इसके हीटिंग इफेक्ट से आपको पता है कि हीट फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, कोलिजन बहुत ज्यादा होता है, कोलिजन के वजह से हीटिंग इफेक्ट है. एंड हीटिंग इफेक्ट कॉजेस व्हाट? लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी. ओके, तो यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा कोलिजन होगा तो यहाँ पे हीट एंड लाइट एनर्जी का प्रोडक्शन होगा,
that is the example of magnet. I was saying about the work done. यहाँ पे वो यहाँ से यहाँ तक move करेंगे जो उसको work done use up होता है वो work done ये that work done is potential difference into charge. मान लेते हैं कि 2 coulomb of charge is used per second. 2 coulomb of charge is used per second. Then a potential difference is applied of 2 volt. उसी हिसाब से potential difference is written as it is. Instead of this charge, can I write I into T from I is equal to Q by T. Rate of flow of charge is what? Current. So instead of this, can I write the cross multiplication of I into T. So we have got Q. Work done is equal to V I T. Yahi work done heat energy hai. So instead of this, we can write S is equal to V into I into T. Further, it can also be formulated into different formulas. Likewise, on using Ohm's law, we can say S is equal to, instead of this V, can't I write IR? Because from Ohm's law, we know that V is equal to IR. And thus, I will be written as it is. So I into I you will get what? I square R T. So this formulation is known as what? Joule's law of heating. इसे कहते हैं हम लोग क्या? Joule's law of heating. James Prescott Joule ने इस unit को बनाया था इसलिए उन्हीं के नाम पे ये unit आया है. So here you can see that heat is depending upon the square of the current, it is depending upon the resistance, it is depending upon the time aspect. इसको समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले that it is directly proportional to the I square, it is directly proportional to the R, and it is also directly proportional to the time. I square means the square of the current. Heat is directly proportional to the square of the current. Square of the current means the strength of the current will be more. Strength of the current will be more means what? More flow of electrons. ज़्यादा से ज़्यादा electrons flow करने की कोशिश करेंगे. जब ज़्यादा flow of electrons होगा, तो ज़्यादा heat होगा. जब ज़्यादा heat होगा, तो I mean उसे ज़्यादा flow of electrons होगा, तो ज़्यादा collision. और ज़्यादा collision के वजह से ज़्यादा heat होगा. So you can see इस ज़्यादा current के वजह से ज़्यादा heating होगा. और अगर मान लेते हैं कि अगर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस वहां पे बिल्कुल भी नहीं है तो हीटिंग इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं होगा. तो अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, अगर वो मटेरियल ही वैसा है, अगर वो नाइट्रोन है या टंगस्टन है, तो वहां पे उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा. अगर उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसका हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा. ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना मोर रेजिस्टेंस उसको प्रोवाइड होंगे जिसके वजह से उसका हीटिंग इफेक्ट भी इंक्रीज. अगर यही दोनों चीज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे और रेजिस्टेंस भी ज्यादा रहेगा और ये बहुत देरों तक अगर कोलिजन होगा तो हीटिंग इफेक्ट ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा. तो टाइम भी एक फैक्टर है. सो हियर यू कैन टू नो दैट जूल्स ऑफ हीटिंग क्या होता है. दैट h इज इक्वल टू व्हाट I स्क्वायर R इज दैट क्लियर. मूविंग अहेड इसको और भी फॉर्मूलेस इसको हम यूज कर सकते हैं. हियर दैट when you are writing S is equal to I square RT, you can also write it as instead of this I square, can't I write V square upon R square from Ohm's law, because we know that V is equal to IR, so I is equal to what? V by R. So instead of I square we can write V square by R square. So 1 R will get cancelled and you will get what? S is equal to V square upon R T. Ye heating effect. Is that clear? I hope heating effect of current aapko clear ho gaya. Ye bahut sare appliances mein use hota hai. Aapne dekha hai aise iron mein, jise aapne dekha hoga electric heater mein, geyser mein isko use kiya jata hai. Wahan pe normally जो मटेरियल यूज किया जाता है उसके रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, वो बहुत ज्यादा उसका रेजिस्टेंस रहता है जिसके वजह से हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा रहता है. हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होने के कारण क्या होगा कि इट विल बी गेट हीटेड एंड वी कैन यूज दैट हीट.
जैसे हम लोग आयरन में क्या करते हैं, वी यूज टू प्रेस द क्लॉथ, हम लोग नाइक्रोम वायर यूज करते हैं आयरन में, वैसे मतलब कि हम लोग टंगस्टन बल्ब भी यूज करते हैं, टंगस्टन फिलामेंट हम लोग यूज करते हैं बल्ब में टू ग्लोइंग, इजंट इट। सो मूविंग अहेड, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज व्हाट, पावर। पावर को आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है, क्लास 9 में आपने जो पढ़ा था वो ये था, that the rate of work done is called what, power। इस वजह से आपको पता था SI unit of power is what is it, कैसे work done का joule और time का second, you will get joule per second, and that is what, is that, ये पावर कैसे यूज़ होता है उसको जानने की कोशिश करते हैं। अगर एक बल्ब है, इसमें फिलामेंट बल्ब है, उसके अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप अप्लाई करते हैं, तो मान लेते हैं कि आपने यहाँ से करंट जो प्रोवाइड करवाया वो 2 एम्पीयर का आपने करंट प्रोवाइड करवाया। 2 एम्पीयर करंट का मतलब है कि यहां से आपके 2 joule per second, 1 second पे 2 joule of work done होगा, ओके। और ये कब होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस आपका 2 volt होगा, 2 volt के पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से 2 joule of charge will flow per second, isn't it? So इसी को यूज करने की हम कोशिश करते हैं कि अगर जब पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का रहेगा तब आपका जो करंट होगा वो 2 एम्पीयर का रहेगा, ओके। तब इस पे कुछ वर्क डन किया जाएगा, जब ये वर्क डन होगा पर सेकेंड दैट्स पावर विल बी 4 वोल्ट। सो व्हाट यू हैव गॉट फ्रॉम हियर, वी फ्रॉम हियर यू हैव गॉट आई, सो यू हैव गॉट अ फार्मूला पी इज इक्वल टू वी इनटू आई, ओके। काफी इजी फॉर्मूला है। मूविंग अहेड, इस फॉर्मूले का जो यूज होगा ये तभी यूज होगा जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस या करंट दोनों में से एक वैरी कर रहा है, दोनों वैरी कर रहा है। P is equal to V I is used when either V or I is changed, ये बेलाते से आप करने की कोशिश करेंगे। न्यूमेरिकल्स जो आएंगे वो पावर जो पूछेगा, तो पावर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको आपको ये समझना है कि आपको वहां पे पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वेदर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये करना है और जो है वो यूज करना है, वो जो कौन सी हो जाने की कोशिश करते हैं। यू नो दैट यहां का लोगों को पता चला P is equal to what, V R, P is equal to V into R, from ohms law can't I write IR is V के जगह IR लिख सकते हैं into R, you will get P is equal to I square R। ये formula कब use करेंगे, when I is constant, जब आपका जो flow of charge per second constant हो तब ये formula use करेंगे power। Again using the ohms law can't I write V square upon R square into R, यहाँ से एक R कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट T इज इक्वल टू V square upon R। सो मतलब यहाँ सब समझ सकते हैं कि V square है, मींस यहाँ ये फॉर्मूला कब यूज करना है, when V is constant, potential difference जब आपका कांस्टेंट रहेगा, then you have to use this particular formula। So you have got 3 formulas for actually 4 formulas for power, that is फर्स्ट उसका डेफिनेशन में है द रेट ऑफ वर्क डन, ओके, द वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। दूसरा पी इज इक्वल टू वी आई व्हिच विल बी ओनली यूज्ड व्हेन आइदर वी और आई इज कंटीन्यूअसली चेंजिंग और बोथ आर चेंजिंग कंटीन्यूअसली। दूसरा पी इज इक्वल टू, तीसरा पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर व्हिच विल बी ओनली यूज्ड व्हेन करंट इज कांस्टेंट एंड द नेक्स्ट फॉर्मूला दैट विल बी यूज्ड इज पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर।
ये कब होगा जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल इज कांस्टेंट. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स मूव अहेड. लास्ट टॉपिक दैट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. आई होप आप लोगों ने इसे लिख लिया. इफ नॉट राइट इट बेटर यू पॉज द वीडियो एंड डू इट. नेक्स्ट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. कमर्शियल का मतलब क्या है? लेन देन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जाता है. यूनिट आप जानते हैं एनर्जी का यूनिट जूल होता है. लेकिन हम लोग यहां पे जिस यूनिट की बात कर रहे हैं वो जूल नहीं होगा, उससे बिगर यूनिट होगा. उससे बिगर यूनिट की जरूरत क्यों पड़ती है? कि आप अगर आपका दुकान है का बिजनेस है, अगर आपका डोमेस्टिक है घर भी है तो वहां पे बिजली बिल तो जरूर आती होगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल. इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जो यूनिट होता है वो होता है आपका किलोवाट आर. इट इज ए किलोवाट आर जिसमें एक तरफ लिखा रहता है कि कितना यूनिट ऑफ एनर्जी यू हैव कंज्यूम और दूसरे साइड लिखा रहता है दैट व्हाट इज द कॉस्ट पर यूनिट. एक यूनिट पे कितना कॉस्ट होता है और उसी को कैलकुलेट करके नीचे आपका टोटल अमाउंट ऑफ बिल दिया हुआ रहता है. वो कभी कभी हम लोगों को समझ में नहीं आता दैट हाउ टू कैलकुलेट आवर बिल. सो लेट्स डू इट टुडे. कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी is 1 kilowatt hour means this and 1 hour means what? 60 minutes. Instead of 60 minutes can't I write 1000 watt into 60 seconds. मिनट्स कन्वर्ट करें तो 60 सेकंड्स हो जाएगा. ओके सो ऑन मल्टीप्लाई यू विल गेट 3600 इनटू 1000 ओके वॉट सेकंड. नाउ यू कैन राइट इट लाइक दिस. सो 1 किलोवाट आवर का वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू 3.6 इनटू 10 टू द पावर 6 जूल और इसी को हम लोग कमर्शियल यूनिट भी कहते हैं. तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 3.6 इनटू 10 टू द पावर 6 जूल. इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं. नॉर्मली आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए यू विल यूज अ फार्मूला पावर इनटू टाइम. क्यों? बिकॉज़ पावर के लिए आपको पता है कि वर्कडे पर यूनिट टाइम. वर्कडे इज व्हाट? एनर्जी. तो वर्कडे के लिए यू कैन राइट पावर इनटू टाइम बट दैट ओनली इंस्टीट्यूट ऑफ दिस वर्कडे व्हाट वी आर राइटिंग व्हाट इलेक्ट्रिक एनर्जी. सो पी इनटू टी. सो यू राइट ई इज इक्वल टू पी इनटू टी. अब एक एग्जांपल देते हैं. लाइक वाइज सपोज आपके पास एक बल्ब है और उस बल्ब का रेटिंग दिया होता है कि 10 वाट. अगर वो 10 वाट का रेटिंग है और मान लेते हैं यहां पे राइट दो बल्ब वैसे यूज करके रखे हैं उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं तो हमें टू बल्ब्स ओके उसकी पावर रेटिंग 10 वाट है और वो कितने देर के लिए कंज्यूम होती है. मान लेते हैं कि वो आप दिन भर में उसको 6 आवर्स यूज करते हैं तो 6 आवर्स सो जस्ट मल्टीप्लाई यू विल गेट अराउंड 60 इनटू 2 120 ओके. तो ये तो वाट में था बट एनर्जी आपको किस में कन्वर्ट करना है? You have to convert that unit into kilowatt hour. Kilowatt hour में convert करने के लिए क्या करना होगा? You have to divide it with 1000 because 1 kilowatt is equal to what? 1000 watt. So 1 watt is equal to 1/1000 kilowatt. ये आपको clear समझ में आता है? तो यहाँ पे इसका unit को लिखने ही चुके हैं. ये आपका watt second हो गया. तो that is जूल. इसको आप 1000 से डिवाइड करेंगे सो यू विल गेट अराउंड 0.12
किलोवाट यूज आप करते हैं। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे जिसमें आपको ये बोला जाएगा कि अपने हाउस होल्ड अप्लायंसेस को पहले फाइंड आउट करें, उसका पावर को फाइंड आउट करें और उसको यूज करके उसको लेकर आप 30 डेज कितना यूज करते हैं। तो उसके बाद आपको बोला जाएगा कि उसका कॉस्ट 1.20 रुपीस पर यूनिट है। तो यहाँ पे इंटू करते हैं सिंपली यू जस्ट मल्टीप्लाई दैट वैल्यू ओवर हियर। ओके, सो एक होमवर्क हम आपको देने की कोशिश करेंगे कि आप अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेट करें। मान लेते हैं कि जैसे आपके पास एसी है, आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास और जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, टीवी है, गीजर है, हीटर है, इंडक्शन है, उन सब को इन्वर्टर है, उन सब का रेटिंग्स को पता करें। उन रेटिंग्स को आप पहले कन्वर्ट कर लें किलोवाट आवर में, उसके बाद कितने देर तक वो आप यूज करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करें 30 डेज से। और यूनिट जो आपका डोमेस्टिक यूनिट होगा, मान लेते हैं 3.10 है पर यूनिट, तो उसको 3.10 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिलेगा वो प्लीज इफ यू आर वॉचिंग द वीडियो उस कमेंट सेक्शन पे जरूर पुट करेंगे। और अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होगा तो उसको जरूर पुट करेंगे। सो टुडे वी आर एंडिंग दिस चैप्टर। आपको उससे रिलेटेड अगर इस चैप्टर से कोई भी डाउट है सो प्लीज कमेंट सेक्शन में आकर आपको जरूर बताएं। आई विल डेफिनेटली पुट अ वीडियो अगेन इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दैट मेन टॉपिक दैट यू नो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।